गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, एज प्रीवियस वीडियो, इन दिस वीडियो आई विल डू सॉल्व क्वेश्चन आंसर सेक्शन सी ग्रामर. इन प्रीवियस वीडियो आई हैड सॉल्व सेक्शन बी वोकैबुलरी ऑफ वाइवा रियल इंग्लिश फॉर क्लास थ्री. पिछले वीडियो में हम लोगों ने वाइवा का रियल इंग्लिश का लेसन नंबर 12 का जो कि लेसन नेम है द फेरी एट द स्प्रिंग, उसका बी सेक्शन जो कि वोकैबुलरी था उसे हम लोगों ने सॉल्व किया था. आज हम लोग सेक्शन सी जो कि ग्रामर पोर्शन है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे. तो इसमें कुछ सेंटेंस है, पहले उसको हम पढ़ते हैं. रीड दी सेंटेंसेस. आप लोग पेज नंबर 81 देखेंगे वाइवा का रियल इंग्लिश, उसमें ये चीज आपको मिलेगा. देखिए सेंटेंस क्या है. द गर्ल बिहेव पोलाइटली. द मदर एंग्रीली स्कॉल्डेड हर डॉटर. द गर्ल सल्कीली वेंट ऑफ. इसमें देखिए हाईलाइटेड होगा रेड से पोलाइटली एंग्रीली सल्कीली. ये क्या है, ये सारे वर्ड एडवर्ब हैं. ये यूज कैसे होता है. द हाईलाइटेड वर्ड टेल अबाउट द एक्शन वर्ड्स इन दिस सेंटेंस. हाईलाइटेड वर्ड क्या है, एक्शन को दिखाता है. ये यूज कहाँ होता है, जैसे बिहेव है. अगर किसी का व्यवहार होता है तो वो कैसा होता है, वो पोलाइटली होता है. अगर स्कॉल्डेड, कोई किसी को डांटता है तो कब, गुस्से में. एंग्रीली वेंट ऑफ, चला जाना. कब जाता है, सल्कली, जाना कैसे, आराम से. द वर्ड पोलाइटली एंग्रीली एंड सल्कली आर एडवर्ब. ये वर्ड जो है जैसे पोलाइटली है, एंग्रीली है, सल्कली है, ये सब क्या है, एडवर्ब है. एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब टेल अस मोर अबाउट द एक्शन वर्ड्स और वर्ब्स. एडवर्ब जो है एक्शन या वर्ब को कुछ और उस पर जोर दे करके बताता है, उसके बारे में कुछ ज्यादा बताता है. आगे उसी पर, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं. जैसे C1 में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल एडवर्ब्स. नीचे ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उसको सुइटेबल एडवर्ब्स से फिल करना है. चूज फ्रॉम द वंस गिवन बिलो. और वो सब कहाँ दिया हुआ है, आपको नीचे कुछ दिए हुए हैं ऑप्शन, कुछ वर्ड दिए हुए हैं, उसमें से चुनना है. जैसे कि वर्ड है पेशेंटली, जेंटली, केयरफुल्ली, इजीली, स्लोली. तो देखिए इसमें पहला है वर्ब ब्लैंक्स. चलो, कैसे चलो, द फ्लोर इज स्लिपरी. फर्श स्लिप करने वाला, फिसलन वाला है, तो कैसे चलो, कैसे, केयरफुली, CAREFULLY, केयरफुल्ली. कैसे चलना है, होशियारी से चलना है, वॉक केयरफुल्ली, क्योंकि द फ्लोर इज स्लिपरी, क्योंकि फर्श जो है फिसलन वाला है. उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखिए, टू स्टार्ट द गेम पुश द ग्रीन बटन ब्लैंक्स. क्या होगा, गेम को स्टार्ट करने के लिए बटन को, ग्रीन बटन को पुश करो. कैसे करो, जेंटली, धीरे से, आराम से. गेम को स्टार्ट करने के लिए बटन को, ग्रीन बटन को आराम से पुश करो. बाय द ट्रेन देयर इज द प्लेटफॉर्म. बाय द टाइम देयर इज द प्लेटफॉर्म. समय पर, समय के जिस समय वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, द ट्रेन हैड ब्लैंक्स स्टार्टेड मूविंग. क्या हुआ, जब वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो क्या हुआ, ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी. स्लोली स्टार्टेड मूविंग, धीरे धीरे. क्या हो गया ये सेंटेंस पूरा. बाय द टाइम दे रीच द प्लेटफॉर्म द ट्रेन हैड स्लोली स्टार्टेड मूविंग. उसके बाद इसमें देखिए फोर्थ में, आई एम श्योर यू विल विन द मैच. मैं श्योर हूं कि तुम मैच जीत लोगे. कैसे, इजीली, आसानी से. आप मैच कैसे जीत लोगे, आसानी से, इजीली, EASILY, इजीली. हो गया सेंटेंस. आई एम श्योर यू विल विन द मैच इजीली. उसके बाद फिफ्थ है, द बॉय वेटेड ब्लैंक्स इन द कार. लड़का अपने कार में इंतजार करता रहा, टिल हिज मदर केम आउट
फ्रॉम द शॉप, उस वक्त तक जब तक जबकि उसकी माँ शॉप से दुकान से बाहर नहीं आ गई। ठीक है, तो इसमें क्या हो गई, पेशेंटली धैर्य से इत्मीनान से, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा पेशेंटली, सेंटेंस हो गया द बॉय वेटेड पेशेंटली इन द कार टिल हिज मदर केम आउट फ्रॉम द शॉप। तो इसमें देखिए वन में फिल क्या हुआ, केयरफुली, सेंटेंस हुआ है वॉक केयरफुली द फ्लोर इज स्लीपरी। सेकेंड में है फिल क्या गया है, जेंटली, सेंटेंस है स्टार्ट द गेम पुश द ग्रीन बटन जेंटली। थर्ड में फिल हुआ है स्लोली, सेंटेंस हुआ बाय द टाइम दे रिच्ड द प्लेटफॉर्म द ट्रेन हैड स्लोली स्टार्टेड मूविंग। फोर्थ में है आई एम, इसमें फिल हुआ है इजिली, सेंटेंस बनता है आई एम श्योर यू विल विन द मैच इजिली। फिफ्थ है इसमें फिल हुआ है पेशेंटली, सेंटेंस बनता है द बॉय वेटेड पेशेंटली इन द कार टिल हिज मदर केम आउट फ्रॉम द शॉप। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको जो बच्चे क्लास थ्री में हैं और वाइवा करियर इंग्लिश पढ़ते हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। इसी उम्मीद के साथ आज का मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे C2 है उसको सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।